नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में आवारा मवेशी रात दिन फसलों की रखवाली के बाद भी नुकसान पहुंचा रहे थे। आज सुबह सैकड़ों किसानों ने बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों को लेकर डलमऊ के कान्हा गौशाला पहुंचे, लेकिन गौशाला प्रभारी द्वारा आवारा मवेशियों को अंदर न किए जाने को लेकर किसानों में नाराजगी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अंततः उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मवेशियों को गौशाला में प्रवेश दिया गया। डलमऊ तहसील क्षेत्र के गांव सुरजूपुर, पूरे गुलाबराय, पूरे बघेलन, पचखरा, नेवाजगंज, भट्टानीहार सहित कई गांवों के किसान आक्रोशित हो उठे। 100 से अधिक आवारा मवेशियों को लाठी डंडों से मारते पीटते कान्हा गौशाला लेकर पहुंच गए। कौन सा गांव है? पूरे गुलाबराय। कहाँ आए आज? गौशाला आए भाई साहब, गाय लेकर। क्या है समस्या? जानवर जो है फसल का बहुत नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर करीब 150-200 गाय जो है अंदर की गई है। यस। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ये लोग छोड़ देते हैं रात में। अच्छा, कौन छोड़ देता? यही गौशाला के जो कर्मचारी हैं। अच्छा, रात में जितने भी जानवर हम लोग लाते हैं उनको गेट खोल के निकाल देते हैं। अच्छा, बाहर कर देते हैं जी। समस्या सबसे बड़ी ये है। तो इसकी शिकायत कहें की है अभी? नहीं, शिकायत ऐसे SDM की आपसे भी बताया है मौके तौर पर। क्या कहें SDM साहब ने? कहें इसका निराकरण करेंगे, यही कह रहे हैं। निराकरण कब होगा? अभी नहीं हुआ क्या? परेशान है। अभी नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ।